गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नंबर 3, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं लेक्चर नंबर 7 और 8 में डिस्कस कर चुका हूं। अब लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट 10th क्लास की डेफिनेशन होती है कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगे उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जांपल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, पर हायर क्लासेस में डेफिनेशन नहीं चलती है। तो मैं आपको समझाता हूँ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है और इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, इस स्केल पर हमने वेपर प्रेशर ले लिया, इस वाले स्केल पर हमने लिया टेम्परेचर और ये फिक्स लाइन है 1 atm की, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हर टेम्परेचर पर लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है। तो हमने सपोज किया H2O का किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना है। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाए, 1 atm के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर हम वेपर प्रेशर बढ़ा देंगे, अगर हम वेपर प्रेशर बढ़ा दें या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये जल्दी से ही कम टेम्परेचर पर भी बॉयल होने लगेगा। और अगर ATM बढ़ा दें, अगर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि हिल स्टेशन पर वाटर जल्दी बॉयल होने लगता है, क्योंकि हिल स्टेशन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है इसलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर हम H2O और अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो H2O का 100 डिग्री होता है जबकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 होता है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो जिसका वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब हम वापस लौट आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखे, हिल स्टेशन पर वाटर जल्दी बॉयल होता है क्योंकि हिल स्टेशन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा तो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है, तो सी लेवल पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब हमने क्या किया, हमने ये ग्राफ वाटर के लिए खींचा था। अगर इस वाटर में हम कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस डाल दें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले क्या है, हर जगह से वाटर के मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल एवोपरेट हो रहे थे। अब हमने इसमें नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। या आप लर्न कर लें, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब आप ग्राफ पर देखें, अब H2O का वेपर प्रेशर सॉल्ट या मर्ड या मिट्टी कुछ भी मिलाने के बाद में कम हो जाएगा और यहाँ आ गया। तो देखो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब अगर इसको बॉयल करना है तो हमें इसको 1 atm तक ले जाना पड़ेगा। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हैं अब वाटर पहले से हायर टेम्परेचर पर बॉयल हुआ और इसको हमने TS मान लिया, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और जो 100 डिग्री था उसको हमने TI मान लिया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, दोनों में डिफरेंस आया डेल्टा TB का। तो डेल्टा TB हमारा क्या हो गया,
डेल्टा टीवी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकालेंगे? टीएस में से, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर डेल्टा टीवी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो टीवी हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीएस क्या हुआ? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट। और टीआई क्या हुआ? प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग। ओके, अब अगर हमें टीएस और टीआई पता है तब तो हम डेल्टा टीवी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विड अननोन है तो हमें टीवी कैसे निकालेंगे? जो डेल्टा टीवी है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी होता है। अगर हमारा जो हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला है वो इलेक्ट्रोलाइट है तब हम इसमें आई लगा देंगे तो आई इंटू एम हो जाएगा। आई यहां पर बच्चों क्या है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, जब हमने इसमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया जिसको हमने के वी कहा, और ये हो जाएगा आई इंटू एम। बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले का यूज होता है। अब हमने इसमें एम की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। एम क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी। तो हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी मतलब सल्यूट का वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट और इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पर डब्ल्यू ए का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम बी का मतलब है मोलर मास ऑफ सल्यूट और डब्ल्यू बी का मतलब है वेट ऑफ सल्यूट। और के बी को हम क्या कहेंगे? के बी को हम कहेंगे मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला ये जनरेट हो गया और एक फॉर्मूला ये जनरेट हो गया। अब अगर हमें केवी की वैल्यू पूछे तो हम केवी की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते। केवी वैल्यू डिपेंड अपॉन, केवी वैल्यू डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट नेचर, ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगी। किसके नेचर पर? सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगी। ओके, ये मैं इसको बंद कर। अब केवी कैसे निकालते हैं? केवी निकालने का फॉर्मूला होता है एम ए मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास इंटू आर टी बी स्क्वायर। यहाँ पर टी बी हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, और आर है गैस कांस्टेंट जो हम कैलोरी में लेंगे, और डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच बी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और इसको हम कितने इंटू करेंगे? 1000। ये केवी निकालने का फॉर्मूला है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर केवी की वैल्यू H2O के लिए 0.52 होती है। और दूसरा क्वेश्चन, केवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगी। जिस सॉल्वेंट का मोलर मास ज्यादा होगा उसका केवी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब केवी की डेफिनेशन क्या होगी? केवी की डेफिनेशन क्या होगी? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, इक्वल टू व्हेन वन मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर। अगर हम 1000 ग्राम वाटर में वन मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होगा उसी को हम डेल्टा टीवी या मोलर एलिवेशन कहें। तो हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी। अगर हमें केवी निकालना है तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकालना है तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन याद होना चाहिए, और कोई न्यूमेरिकल निकालना है तो हमें ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन मोलल NaCl सॉल्यूशन। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है किसका, सॉल्यूशन का। कितना NaCl है उसमें, वन मोलल। हमने इसका फॉर्मूला लिखा। अगर हमको फॉर्मूला नहीं आता तो हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। आई के बी इंटू एल, और के बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 0.52। हमने देखा NaCl डिसोसिएट हो जाता है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और टू पार्टिकल देगा। KB की वैल्यू 0.52 हो जाएगी और मोलैलिटी कितनी, 1। हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा TV की वैल्यू आ गई 1.04, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इतना एलिवेशन हो गया। अब डेल्टा TV तो हमको पता लग गया, तो डेल्टा TV बराबर क्या होता है, TS माइनस TI। हमें TS की वैल्यू निकालनी, तो TI वाटर के लिए सेंटीग्रेड में 100 होता है, तो TS की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 101.04 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसको केल्विन में निकालेंगे तो हम इसमें 273.15 प्लस 101.04 को ऐड कर देंगे, तो ये अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 274.19 केल्विन। अब हम इसी क्वेश्चन को फिर से एक नए मेथड से देखेंगे, और बेसिकली इसमें ये दो तरह के क्वेश्चन ही आ सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप सॉल्यूशन नोट कर ले, मैं नया क्वेश्चन बताता हूं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन मोलल NaCl सॉल्यूशन इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 50%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 50%, क्योंकि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है तो आई की वैल्यू एम के बराबर नहीं होगी। NaCl अगर 100% ब्रेक होगा तो इसके एम की वैल्यू या आई की वैल्यू 2 होती है, लेकिन जब ये 50% डिसोसिएट होता है तो हमको सेपरेटली इसकी अल्फा निकालनी पड़ेगी। और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, एम थियोरेटिकली पार्टिकल है, मतलब NaCl पूरा टूट जाए तो कितने पार्टिकल, तो अल्फा हमारी हो गई 50/100। आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और एम की वैल्यू कितनी हो गई, 2। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0.5 आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो आई की वैल्यू 1.5। तो अब हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर 2 की जगह 1.5 ही आएगा और बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो आप उसमें यूज करेंगे क्या, अल्फा वाला फॉर्मूला, और नहीं तो सिंपल करें।